हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं निकॉन D3500 के बारे में, जो कि चीपेस्ट कैमरा अवेलेबल है इस टाइम मार्केट में। तो हम बात करेंगे कि ये कैसा है 2021 में, क्या आपको बाय करना चाहिए, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसके क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, और मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ तो मेरा इस कैमरे के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। सो मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में कवर करूँगा। फर्स्ट मैं बताऊँगा इस कैमरे की कुछ अच्छी बातें यानी कि गुड थिंग, कुछ बैड थिंग जो इस कैमरे में थोड़ी कमियाँ हैं वो बात बताऊंगा, फिर मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसकी वीडियो कैपेबिलिटी कैसी है, और क्या ये आपको 2021 में बाय करना चाहिए, और ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू सम कैमराज विच यू कैन बाय इंस्टेड ऑफ दिस कैमरा अगर यू हैव अ बजट, और समवेयर आप अगर आप ये कैमरा नहीं लेना चाहते। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कैमरे की कुछ अच्छी बातों के बारे में। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात जो इस कैमरा की है वो है इसका प्राइस। इस प्राइस में मार्केट में कोई इससे अच्छा कैमरा अवेलेबल नहीं है। अगर आपका बजट नियरली 30,000 है या 25,000 के करीब है तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट है। इस प्राइस में आपको निकॉन की तरफ से ये चीपेस्ट DSLR मिल जाएगा, और इसी रेंज में अगर आप कैनन की तरफ जाएंगे तो आपको शायद 1500D मिलेगा, जो कि इसके सामने उसमें फीचर्स थोड़े कम अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें इसकी सेकंड गुड थिंग की बात, तो वो है इसका सेंसर। वो है निकॉन का 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर, जो कि आता है निकॉन डिजिक 5 प्रोसेसर के साथ। सो ये लेटेस्ट प्रोसेसर है निकॉन का इनके बजट कैमरे का, जो कि अपग्रेडेड है D3400 से, और ये लेटेस्ट प्रोसेसर है इस लाइनअप में इनका, और जो उसका सेंसर है वो भी अपग्रेडेड है। थर्ड थिंग अबाउट दिस कैमरा विच इज़ वेरी रियली रियली गुड, वो है इसकी वीडियो। सो यू कैन शूट अप टू 1080p इनटू 60fps इन द हायर क्वालिटीज़। में दो प्रीसेट मिलते हैं, हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी। तो यू कैन शूट अप टू 60fps एंड हायर क्वालिटी एंड लो क्वालिटी एज वेल, और आप उसमें सारे वीडियो फॉर्मेट मिलते हैं आपको, 24fps, 25, 30, 720p, everything is available in the video अगर आपको 1080p पे कुछ शूट करना है। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट सम ड्रॉबैक ऑफ दिस कैमरा, यानी कि कुछ ख़राब बातें जो इस कैमरे की मुझे लगी। जो इसकी स्क्रीन है वो टिल्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब कि आप इसको इसकी स्क्रीन को आप टिल्ट नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स स्क्रीन है, प्लस ना ही ये टच स्क्रीन है। सो अगर ये टच स्क्रीन होती या टिल्टेबल होती तो एक कैमरे के लिए प्लस पॉइंट होता, बट आई थिंक इसकी प्राइसिंग में इतना मैटर नहीं करता। जो बिगेस्ट ड्रॉबैक इस कैमरे की मुझे लगी है वो उसका हेडफोन जैक का ना होना। सो हेडफोन जैक इस कैमरे में नहीं अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप इसमें कोई माइक कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सटर्नली ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सिंक इट इन द पोस्ट। द थर्ड थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस कैमरा विच इज इसका वीडियो में ऑटो फोकस। इसका फोटो में ऑटो फोकस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बट अगर आप वीडियो की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा स्लो है, और ये बहुत ज़्यादा फोकस मिस करता है। शूट करते टाइम फोकस अगर आप शिफ्ट करना चाहें तो ये बहुत ही ज़्यादा लैग करता है। सो ये थे इसके कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स अबाउट दिस कैमरा। तो मैं इस कैमरा को ऑलमोस्ट अराउंड 2 ईयर्स से अब यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, मैंने इसके साथ ट्रैवल फोटोज़ किए हैं, मैंने साथ इसके साथ दिल्ली के फोटोज़ बहुत सारे शूट किए हैं। फोटो के मामले में दिस इज़ अ फैंटेस्टिक कैमरा। अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है तो इस फोटो के मामले में इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप इसके साथ एक प्राइम लेंस ले लेते हैं, या आप एक जूम लेंस ले लेते हैं, या कोई अच्छी क्वालिटी का लेंस भी पेयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने जितने भी फोटो आपको उसमें दिखा रहा हूँ, ये सारे सिर्फ एक लेंस से लिए गए हैं, जो कि हमारा किट लेंस, एंड ये सारे फोटोज़ मैंने सिर्फ 2 साल के पीरियड में सिर्फ किट लेंस से लिए। सो फोटो के मामले में आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें वीडियो की, तो मैंने इसके साथ कुछ वीडियो भी शूट्स की हैं, और इवन मेरी सारी यूट्यूब वीडियो जो भी मैं शूट करता हूँ सारे मैं इसी कैमरा पे करता हूँ, एंड मैं ऑडियो को सेपरेटली रिकॉर्ड करता हूँ, देन मैं उसको पोस्ट में सिंक कर लेता हूँ। अगर आपको जानना है कि आप ऑडियो अपनी सिंक कैसे कर सकते हैं तो मेरा उसके यहाँ पर ट्यूटोरियल है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सो वीडियो के लिए 1080p में ये वीडियो शूट करता है 60fps तक, मैंने आपको बताया था। तो वीडियो क्वालिटी जो है वो उसकी लाइक सही सही है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। जो उसकी बिटरेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट अ वीडियो कैमरा। ऑल्सो वीडियो में सिर्फ कैमरा ही मैटर नहीं करता, आपकी लाइट एंड आपका साउंड भी मैटर करता है। अगर आप मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियो देखें, वो भी सेम कैमरे से शूट हुई है, और उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है कंपेयर टू द अब की क्वालिटी, बिकॉज जब मेरे को लाइटिंग का इतना आइडिया नहीं था, नाउ आई हैव अ बेटर आइडिया ऑफ लाइटिंग एंड साउंड, सो मेरी वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। सो नॉट ओनली द कैमरा, लाइटिंग एंड ऑडियो भी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इन तीनों का यूज़ अच्छे से करना जानते हैं, सो आई एम श्योर आप इससे एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ हियर कम टू आवर फोर्थ पॉइंट, वेदर यू शुड बाय दिस कैमरा और नॉट इन 2021। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू, अगर आपके पास
30,000 का ही बजट है और आप बहुत ही ज़्यादा टाइट बजट में हैं, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते और आपको एक न्यू कैमरा ही लेना है, आप सेकेंड हैंड मार्केट में नहीं जाना चाहते, सो दिस कैमरा इज़ परफेक्ट फॉर यू। आप इसके लिए ईजिली जा सकते हैं, आपको उसमें कोई कमी नहीं होनी। और अगर आपका फोकस ओनली फोटोग्राफी है तो 100% यू कैन गो एंड बाय दिस कैमरा, सो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। बट अगर आपको वीडियो भी शूट करनी है और आपको कुछ व्लॉगिंग का ट्राई करना है तो आई डोंट रिकमेंड यू दिस कैमरा, बिकॉज इसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं है मेन एंड इसमें ना ही हेडफोन जैक है। सो अगर आपको व्लॉगिंग ट्राई करनी है तो यू कैन गो फॉर कैनन 200D। सो अगर आपका बजट है, आपका बजट अलाउ करता है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे चीपेस्ट मिररलेस जो भी आपको अवेलेबल है वो ले सकते हैं, चाहे वो M50 हो चाहे M52 है। एक इसी नाइकॉन D35 का एक बड़ा भाई आता है जिसे हम बोलते हैं नाइकॉन D5600, वो भी एक अच्छा कैमरा है। उसके जो फीचर्स इससे ज़्यादा है, उसकी में टिल्टेबल स्क्रीन अवेलेबल है, बट वही है उसके लिए आपको बजट थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब आप बजट ना इंक्रीज कर रहे हैं तो जो गैप है एक मिररलेस एंड DSLR के बीच में वो कम हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फिर आप थोड़ा सेव करें एंड गो फॉर अ मिररलेस। 30,000 है और आपको पता है कि वो आप नहीं इंक्रीज़ कर सकते इन द फ्यूचर, देन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस कैमरा के लिए जाएँ। एट द एंड अगर आप इस कैमरा को बाय करते हैं और आप अच्छा तरह से यूज़ करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एट द एंड आपका कैमरा नहीं, आप मैटर करते हैं कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं भी यही कैमरा यूज़ करता हूँ, सारी वीडियो मैं इसी से शूट करता हूँ, सारी फोटोग्राफी और मैंने क्लाइंट वर्क भी सारा इसी से किया है। सो इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं और कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, एट द एंड अगर आपको पता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और आपकी लिमिटेशन क्या है। सो अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियो इसी कैमरा के ऊपर या डिफरेंट कैमरों के ऊपर चाहते हैं सो कमेंट डाउन बिलो। और अगर ये वीडियो पसंद आई और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी कैमरा के बारे में तो आप पीछे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन शूट व्हाट्स मेक यू हैप्पी।